फिलहाल तो मेरा सिलेक्शन हुआ यस बैंक में सिलेक्शन हुआ सर कासा में बट तो मुझे ऑपरेशन डिपार्टमेंट मिला उसमें आ, मैं अभी एक एन फिनजी एफ सी फिंजी कंपनी है उसी में मैं बिजनेस ट्रेनिंग हूँ बिजनेस ट्रेनिंग अगर मुझे यहाँ से तीन लाख का भी पैकेज मिलेगा ना यहाँ से क्या होगा कि मैं साइड बाय साइड अर्न कर रही हूँ कोई मुझे टोकने वाला नहीं है कि तू कुछ कर नहीं रही है और घर वालों को तो दे ही रही हूँ कि आप रहो आराम से आपको अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मैं हूँ कर लूंगी अब गोल्ड लोन कंपनी है yes. वहाँ पे मेरे को सबसे पहले फ्रेशर ऑफर किया गया था कस्टमर okay. सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट पे uh -huh. बट मेरे को एरिया मैनेजर जब मिले तो वो जो तो वन ईयर का एक्सपीरियंस होता है ना उस बेस पे मुझे उन्होंने द्वारका में जॉब ऑफर कर सर अभी हम फिजी एन बी एफ किया है हेलो बच्चों तो ये बच्चे थे जो ऑलरेडी हो चुके हैं पीडब्ल्यू स्किल से प्लेस्ड तो चलिए हम लोग जानते हैं यस बैंक के बारे में यस बैंक ने निकाली है प्राइवेट बैंक जॉब्स पैन इंडिया लेवल पर तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्ड यहां पर समझने वाले हैं सारी चीजें कि कहां पर कितनी वैकेंसीज निकाली हैं या फिर क्या इनके फीचर्स हैं तो बेटा सबसे पहले अगर हम समझे दिस प्रोग्राम इज फॉर ओनली यू ठीक है देखो जस्ट 15 डेज प्रोग्राम है ये आपका नो नीड टू रिलोकेट एनीवेयर आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है कंडीशनल ऑफर लेटर बिफोर ट्रेनिंग ठीक है आगे इसकी बात समझते हैं बच्चों दैट इज द अपॉर्चुनिटी ठीक है न वाट इज द अपॉर्चुनिटी तो अपॉर्चुनिटी क्या है येस बैंक पैन इंडिया जॉब अपॉर्चुनिटी है आपके पास और ये इसमें है क्या क्या चलो देख लेते हैं सारी चीज़ें समझ लेते हैं कौन कौन सी जॉब्स की अपॉर्चुनिटी है आपके पास तो बेटा मुंबई एक मुंबई ब्रांचेस सेल्स ऑफिसर्स की पोस्ट है कितनी आपकी वन डबल जीरो यानी कि हंड्रेड पोस्ट पुणे में आपकी सेल्स ऑफिसर की पोस्ट है चालीस आपको पता है कि यस बैंक जो है वो हमारा क्या है प्राइवेट बैंक है एक ठीक है साउथ गोवा मड गाँव वर्सा ये आपका सेल्स ऑफिसर की यहाँ पर कितनी वैकेंसीज हैं दस अब गोवा है ही कितना बड़ा तो जितना बड़ा राज्य उतनी बड़ी वैकेंसी है ना नॉर्थ गोवा में आपकी टेंथ वैकेंसी हैं सेल्स ऑफिसर की नासिक में आपकी सेल्स ऑफिसर की दस वैकेंसी हैं नागपुर में बेटा सेल्स ऑफिसर की दस वैकेंसी हैं और औरंगाबाद में आपकी फाइव वैकेंसी हैं ठीक है साथ ही साथ और अगर हम डिटेल में चीज़ें जाने तो सूरत में बेटा आपकी पंद्रह वैकेंसी ठीक है ये आपकी सेल्स ऑफिसर की है ये एस की वैकेंसी है फिफ्टीन अहमदाबाद में आपकी फ़िफ्टीन सेल्स ऑफिसर की वैकेंसी है अहमदाबाद में सी ओ की पंद्रह बड़ौदा में आपकी दस और राजकोट में आपकी पंद्रह वैकेंसीज़ हैं ठीक है फुल डिटेल्स में हम लोग जान रहे हैं कि वैकेंसीज़ कहाँ पर कितनी है बेंगलोर पोजिशन की बात करें तो आपकी ट्वेल्थ वैकेंसी चेन्नई में आपकी टेन वैकेंसी हैदराबाद में बेटा एटीथ वैकेंसी कोयम्बटूर में एथ वाई में आपका तीन और विजयवाड़ा में आपकी दो वैकेंसी हैं दैट मीन्स दिस इज़ द पैन इंडिया वैकेंसीज़ ठीक है कुप्पाल में बात करें तो दो वैकेंसीज़ हैं आपकी यादगीर में आपकी दो वैकेंसीज़ हैं सिंधु नूर में आपकी बेटा दो वैकेंसीज़ हैं चिकोडी में आपकी टू वैकेंसीज़ हैं शाहपुर में आपकी टू वैकेंसीज़ ये क्या है नगर है कोई आपका यहां पर आपकी टू वैकेंसीज़ हैं रानी बेन्नूर में आपकी टू वैकेंसी दिस इज द साउथ इंडस्ट्री है ना साउथ की है बच्चे आपकी सिरसी में आपकी टू वैकेंसीज हो गई सागर चन्नागिरी होस्पेट गंगाबाद कितनी वैकेंसीज हैं टू टू वैकेंसीज़ आपकी हर जगह पर हैं ठीक है टू टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करें तो वैकेंसीज़ आपके पास बहुत सारी हैं ये देख लो आप दो वैकेंसीज़ भवानी में आपकी दो वैकेंसीज़ ये दो वैकेंसीज़ आपकी नमक्कल में दो वैकेंसीज़ हो गई आपकी धर्मापुरी में इद्दापड़ी में ठीक है आपकी दो वैकेंसीज़ हैं ये सावरी आपकी नंबर एक वैकेंसीज़ है नंबर एक वैकेंसी नहीं मतलब एक एक वैकेंसीज है आपकी ठीक है यहाँ पर आगे की बात अगर हम समझें यहाँ पर वैकेंसीज आपको गिवन है प्रॉपर ठीक अब यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ गई लेकिन वैकेंसीज बढ़ने के साथ साथ कहाँ की है तो हमारी जगह भी चेंज हो गई है कोलकाता कितनी वैकेंसीज़ हैं पचास सेल्स ऑफिसर की वैकेंसीज हैं भुवनेश्वर बेटा आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज पंद्रह हैं पटना में आपकी नंबर ऑफ़ वैकेंसीज दस हैं रायपुर में आपकी वैकेंसीज दस हैं रांची में आपकी छः वैकेंसीज हो गई जमशेदवल गुवाहाटी इम्फाल और शिलोंग में आपकी छः दो दस दो दो वैकेंसीज़ हैं ठीक है और आगे हम अगर डिटेल में बात करें डिब्रूगढ़ हो गया आपका ईटानगर हो गया जोरहाट हो गया सिबसागर हो गया सिलचर हो गया आसनसोल हो गया गंगटोक ओल मालदा सिलीगुड़ी बारबेल राउरकेला और संभलपुर इनमें सब में आपकी दो दो वैकेंसीज़ हैं ठीक है और अगर हम बात करें दीमापुर कोहिमा और ये आपका नागौन आसाम तेजपुर कोलकाता भुवनेश्वर पटना रायपुर रांची जमशेदपुर राउरकेला संभलपुर गुवाहाटी यहाँ पर सबकी आपकी पर्सनल बैंकर की जो है कितनी वैकेंसीज़ हैं दस दस वैकेंसीज़ आपकी ये हैं पटना में और रायपुर में बाकी जगह आपकी छः छः वैकेंसीज़ हैं रांची और जमशेदपुर में और आपकी दो दो और गुवाहाटी में आपकी पाँच वैकेंसीज़ हैं ऑफिसर की वैकेंसीज आपकी दो दो हैं पर्सनल बैंकर के ऑफिसर की, की वैकेंसी तीस है कहां पर आपकी सबसे ज्यादा वैकेंसीज हैं ये कोलकाता में है उसके बाद अगर हम बात करें गुड़गांव गुड़गांव नॉर्थ दिल्ली में आपकी कितनी वैकेंसीज हैं ट्वेंटी फाइव तो हो जाओ होशियार गुड़गांव और दिल्ली वालों ठीक है ईस्ट सेंट्रल दिल्ली में आपकी पैंतीस वैकेंसीज हैं साउथ दिल्ली में लाकर नोएडा लखनऊ और लखनऊ अलग हो गया सॉरी नोएडा और गाजियाबाद ये पूरा मिलाकर आपकी तीन पैंतीस वैकेंसीज हैं लखनऊ चंडीगढ़ शिमला जम्मू लुधियाना और पटियाला ये पूरा एक पोर्शन बना के आपकी कितनी वैकेंसीज है नंबर ऑफ वैकेंसीज है साठ वैकेंसीज है हमारा पूरा सेल्स ऑफिसर्स की आगे की बात करें गुड़गांव में आपकी बेटा गुड़गांव नॉर्थ दिल्ली में सेल्स ऑफिसर की कितनी वैकेंसीज है चालीस हैं ईस्ट एंड सेंट्रल दिल्ली में आपकी तीस वैकेंसीज हो गई नोएडा गाजियाबाद लखनऊ नोएडा आपका ऊपर ही हो जाएगा ठीक है ना इसी में हो जाएगा ये लखनऊ चंडीगढ़ ये मुलाके पूरी कितनी सेल्स ऑफिसर की वैकेंसीज हैं नाइन्टी नंबर और वैकेंसीज हैं इससे पहले भी आपकी सेल्स ऑफिसर की ही वैकेंसी थी ठीक है नो द प्रोसेस प्रोसेस समझते हैं बच्चों क्या है प्रोसेस क्या है सबसे पहला प्रोसेस है एलिजिबिलिटी चेक करो आप ठीक है दूसरा नंबर का प्रोसेस है इंटरव्यू होगा आपका तीसरा क्या है कंडीशनल ऑफर लेटर आपको मिलेगा ठीक है उसमें कई सारी कंडीशंस होती हैं एग्री और नॉट की ठीक है फोर्थ है आपका ट्रेनिंग बाय पीडब्ल्यू स्किल्स जी हाँ आपको जो ट्रेनिंग दिलाई जाएगी वो कहाँ से दिलाई जाएगी देख लो ध्यान से पीडब्ल्यू डब्ल्यू स्किल्स से दिलाई जाएगी असेसमेंट होगा आपका फिर उसके बाद आपकी क्या हो जाएगी बच्चों ज्वाइनिंग हो जाएगी ठीक है आगे की बात करते हैं सी क्या होगा थ्री लैख पर एन प्लस इंसेंटिव अगर कोई भी परेशान है जिसको जॉब नहीं मिल रही तो उसके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी आपकी है हो सकती है बच्चों तो आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी ठीक है और अगर आप कर रहे हैं इसके अलावा गवर्नमेंट बैंक की तैयारी तो आप जुड़ें सुबह मेरे साथ नौ बजे बैंकिंग वाला पर थैंक यू सो मच हैव अ गुड डे बाय